हैं आप लोग? मैं हर्ष अग्रवाल दउआ टेक्नोलॉजी की तरफ से लेके आया हूँ इस वीडियो में एक नया लॉन्च, जो कि है हीरो वाईफाई सीरीज कैमरा। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे एप्लीकेशन है उसमें भी बात करेंगे, कैसे इनिशियलाइजेशन है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन है उस पर भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का लंबा होगा, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या मौजूद है। बॉक्स ओपन करते के साथ ही कैमरा दिख जाता है। कैमरा हमने ओपन किया, कैमरा पेंटिल के साथ क्वालिटी वाइज बहुत शानदार दिखता हुआ, और इंस्टॉलर QR कोड है, कुछ पेपर वर्क भी नज़र आ रहा है, यूज़र मैनुअल्स हैं, वारंटी कार्ड है, एडाप्टर है, केबल है और वॉल माउंट है। तो दोस्तों, इस कैमरे की अनबॉक्सिंग के बाद अब हम चलते हैं इस कैमरे के इनिशियलाइजेशन प्रोसेस पर, कैसे इसको फ़ोन के ऊपर इनिशियलाइज करना है, अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। दउआ हीरो कैम को अपने डिवाइस पर व्यू करने के लिए हमको सबसे पहले फ़ोन के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर DMSS एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको प्राइवेसी परमिशंस और साइन अप करने का। हमको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, अपने ईमेल आईडी के थ्रू उसको साइन अप करना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए फ़ोन पर मेल आईडी पर आए हुए OTP को इसमें इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में ऐड डिवाइस पर जाना है और स्कैन करना है QR कोड जो कि कैमरे के नीचे मौजूद है। उसके साथ में एक पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा जो कि आपके कैमरे का पासवर्ड होने वाला है। अब हम लास्ट स्टेप पर बढ़ चुके हैं जो कि है वाईफाई और कैमरे को आपस में कनेक्ट करने का। आपको वाईफाई का पासवर्ड इंसर्ट करना है, ऐड डिवाइस पर क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिवाइस का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। डन करने के साथ ही आपका कैमरा इनिशियलाइज हो जाएगा, लाइव व्यूइंग आप फ़ोन पे देख पाएंगे। पैन टिल्ट है तो आप 360 मूव भी कर सकते हैं कैमरे को। तो आइए जानते हैं दउआ के इस न्यू हीरो सीरीज के कैमरे के फीचर्स जो कंपनी आपको ऑफर करने वाली है। पहला फीचर जो है ह्यूमन डिटेक्शन। ह्यूमन डिटेक्शन के थ्रू आप जब भी घर में कोई भी एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली घर या दुकान में, अगर आप चाहते हैं ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर, तो आप इसको इनेबल करेंगे, और इनेबल करने के साथ ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जब भी ह्यूमन डिटेक्ट होगा आना चालू हो जाएंगे। आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, नाइट मोड पर ह्यूमन डिटेक्शन चाहते हैं तो सिर्फ रात रात तक भी शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा फीचर जो दे रही है कंपनी, ऑटो ट्रैकिंग। कोई भी इंसान कैमरे के आगे से मूव करेगा तो कैमरा उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा, क्योंकि ये 360 फीचर के साथ आता है। पूरा यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके अगर राइट तक कोई इंसान मूव कर गया तो कैमरा उसको ट्रैक करता रहेगा। वो सबसे ज़रूरी फीचर है आपकी प्राइवेसी। आपके घर के अंदर कैमरा लगा हुआ है, आप नहीं चाहते हैं कि इस समय पे कोई भी कैमरा वर्क करे, तो आप उसको प्राइवेसी मोड पर डाल देंगे और कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, कैमरे का लेंस का शटर बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, और इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें, क्योंकि ये कैमरा बना ही कंज्यूमर रेंज की सीरीज़ के लिए है।